रामपुर से सपा सांसद आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। रामपुर न्यायालय में आजम और उनके परिवार के खिलाफ कई मामले चल रहे हैं, जिसमें एक मामला उनके बेटे अब्दुल्ला की डेट ऑफ बर्थ को लेकर है। आरोप है कि अब्दुल्ला ने डेट ऑफ बर्थ गलत दिखाकर अभिलेख तैयार कर विधानसभा का चुनाव लड़ा था। इस मामले में अब्दुल्ला के पिता सांसद आजम खान और उनकी माता तजीन फातिमा भी शामिल है, जबकि यह तीनों कोर्ट के बार बार बुलाए जाने के बाद भी नहीं पहुंच रहे हैं। कोर्ट के बार बार बुलाने पर भी समाजवादी पार्टी के सांसद आजम, उनकी पत्नी और बेटे अब्दुल्ला पेश नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट ने अब धारा 82 के अंतर्गत कार्यवाही कर तीनों को 24 जनवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा है। कोर्ट का आदेश होने के बाद रामपुर की थानागंज पुलिस ने रिक्शा में लाउड स्पीकर लगवा कर इलाके में मुनादी करवाई और आजम खान को और उनकी पत्नी को और बेटे सहित 24 जनवरी को कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया है। पुलिस द्वारा कराई जा रही इस मुनादी के बारे में एडिशनल एसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि एक मामला 2019 में दर्ज हुआ था। तत्कालीन विधायक अब्दुल्ला आजम ने अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत दिखाकर अपने अभिलेख बनाकर विधायक का चुनाव लड़ा था। उस मामले में पुलिस द्वारा विवेचना की गई और आरोप पत्र में लगाए गए आरोपों के सही पाए जाने पर रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की गई। अब न्यायालय इस मामले में उन्हें तलब कर रहा है, तो अब्दुल्ला और उनके माता पिता इस मामले में कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अब जो न्यायालय की अपनी प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति सम्मन के बाद नहीं आता है तो 82 CRPS की तहत उद्घोषणा करवाते हैं। ऐसा ही आज रामपुर पुलिस द्वारा किया गया है। रामपुर यूपी से संवाददाता रवि सैनी की रिपोर्ट। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की हुकूमत होती थी तो आजम खान ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए गरीब लोगों के ऊपर बहुत जुल्म ढाए थे। तमाम लोगों की जमीनों पर कब्जे कर लिए थे, किसानों की, यतीमों की, किसी को बख्शा नहीं था उन्होंने। आज उसी आजम खान की, जिसकी तूती बोलती थी उत्तर प्रदेश के अंदर, उसके खिलाफ अदालत के आदेश पर जगह जगह शहर में अनाउंसमेंट कराया जा रहा है कि आजम खान अदालत में हाजिर हों। ये बहुत शर्म की बात है, बहुत बेइज्जती की बात है और ये अल्लाह का इंसाफ है। अल्लाह ने आज उन लोगों को इंसाफ दिया है जिन लोगों का आजम खान ने दिल दुखाया था, उनकी जमीनों पर नाजायज कब्जे किए थे। अल्लाह ताला ने ये दिखा दिया है कि जमीन का हिसाब जमीन पर ही तुमसे लिया जाएगा। लोगों में खुशी का माहौल है जिनकी जमीनों पर आजम खान ने कब्जे किए थे। मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी आजम खान उन लोगों के कब्जे खुद ब खुद छोड़ दें और उनकी जमीनें वापस कर दें तो शायद उनके ऊपर से अल्लाह का एताब कुछ कम हो जाए। एक मामला दर्ज हुआ था 2019 में, तत्कालीन विधायक स्वार अब्दुल्ला आजम की डेट ऑफ बर्थ को लेकर के। तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो गलत दिखा करके अभिलेख तैयार करके और उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा है। उस मामले में पुलिस द्वारा विवेचना की गई और FIR में लगाए गए आरोप सही पाए जाने पर आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित कर दिया गया था। अब माननीय न्यायालय बार बार तलब कर रहा है तो श्री अब्दुल्ला आजम और उनके माता पिता, ये तीनों लोग जो उस मामले में पुलिस द्वारा चार्जशीटेड है, ये न्यायालय उपस्थित नहीं हो रहे हैं। न्यायालय की अपनी जो प्रक्रिया है कि व्यक्ति अगर समन वारंट पे नहीं आता है तो वो 82 CRPC के तहत एक उद्घोषणा कराते हैं और वही उद्घोषणा आज पुलिस द्वारा वहाँ तामील की गई है। इसके बाद न्यायालय अपनी फर्दर प्रोसीडिंग करेगा। अनोखा काम हुआ है रक्षा भूमि शहर में। कौन सी चीज? रक्षा भूमि पूरे शहर में नहीं। देखिए, उद्घोषणा में ये साफ शब्द जिसको मुनादी आप कहते हैं, तो न्यायालय के अपने प्रोविजन्स हैं तो उसमें मुनादी कराई जाए ताकि लोग सुन लें। नोटिस चस्पा कराई जाती है उसके घर पे, न्यायालय में विजिबल स्थान पे, संबंधित थाने में विजिबल स्थान पे या अन्य स्थानों पे, तो ये सब उसकी प्रक्रिया है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन।
world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।